नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस के साथ। आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किल। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। फूका पुतला, कहा जारी रहेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई ने की बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ। करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद राबड़ी के घर से सीबीआई टीम लौटी वापस। बीजेपी ने कहा लालू के भ्रष्टाचार के नक्शे कदम पर चल रहा है परिवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर किया पलटवार। कहा विवादों की आंधी बन गए हैं राहुल, विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का लिया है ठेका। त्रिपुरा में मानेकशॉ होंगे राज्य के अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, राज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। 8 मार्च को पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा शपथ ग्रहण। मेघालय और नागालैंड में कल होगी नई सरकारों का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा चिकित्सा उपचार को सस्ता बनाना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता। चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को किया रेखांकित। कहा देना चाहते हैं डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र के जरिए नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात रोजगार मेले को किया संबोधित। युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य के उपयोग की दिशा में बताया सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण। कहा सरकार विकास की जिस होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है उससे बड़े पैमाने पर हो रहा रोजगार सृजन। पीएम मोदी ने आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए की उच्च स्तरीय बैठक। मौसम के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा बुनियादी ढांचे की तैयारी से जुड़े मसलों पर ली जानकारी। अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर दिया बल। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हुआ ढेर। अरबाज के बाद इस हत्याकांड में दूसरा आरोपी हुआ ढेर। यूपी पुलिस ने कहा हत्याकांड में शामिल हर शख्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी सरकार ने फिर कहा एक एक अपराधी को सजा दिलाना योगी सरकार की प्रतिबद्धता। शराब घोटाले में सीबीआई की हिरासत में रहे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली अब जेल में ही मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। कोर्ट में सीबीआई ने अदालत से कहा कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले को राजनैतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अरे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ 10 मार्च को उसकी हियरिंग है, तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक, जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में है।
शनिवार को ही अदालत ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया था। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया तथा सत्येन जैन के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। बीजेपी राजधानी के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों है, इसलिए इनका पुतला फूका जा रहा है। हम इनका पुतला भी फूकेंगे और दिल्ली की सड़कों पर हम अरविंद केजरीवाल का त्याग पत्र भी मांगेंगे। विधानसभा शुरू हो रही है, मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी घोटाले हुए उनके ऊपर चर्चा करवाएं। वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने कार्यालय पर मनीष सिसोदिया और सत्येन जैन का पोस्टर लगाया, जिसमें दोनों को भ्रष्टाचारी और देशद्रोही बताया गया है। सरकार आज जेल में है और आगे सरकार की जो कैबिनेट होगी वो पूरी जेल में होगी। मैं पूर्ण रूप दावे के साथ कहना चाहता हूं, चौक चौराहे पर जहां स्कूल की बसें आके रुकती थी, उन बसों के आसपास, उन चौक चौराहों के आसपास शराब के जो ठेके खोले गए, इस शहर को जो नशे की राजधानी बनाया गया, वो अरविंद के बहुत ही चहेते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बनाने का काम किया। इस बीच मनीष सिसोदिया के समर्थन में सरकारी स्कूलों के बच्चों से अभियान चलवाने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने संज्ञान लिया है। संस्था ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार का पूरा तंत्र एक शराब घोटाले के आरोपी के समर्थन के लिए बच्चों को शील्ड बना रहा है, ये तो कमजरफी है, ये अपराध है और ये इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सरकार खुद इस अपराध को अंजाम दे रही है। इसलिए हमने दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको भी इन पत्रों की प्रति भेजी है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले मास शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस मामले की शिकायत एलजी वीके सक्सेना से की थी। साल 2022 में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन जैन को हवाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह करीब 9 माह से जेल में बंद हैं। उन पर कोलकाता की एक कंपनी को हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए का लाभ पहुँचाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लालू यादव परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की। करीब 5 घंटे लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम वापस लौट गई। सुबह करीब 10 बजे सीबीआई टीम राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। इस दौरान सीबीआई की टीम ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से कुछ सवाल जवाब किए। इस बीच राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों समर्थक धरने पर बैठे रहे और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दी थी, जिनमें से 5 की बिक्री हुई थी जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर लालू यादव को दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हो, वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हार को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल गांधी हमेशा भारत को बदनाम करने के बयान देते हैं। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हो, विदेशी एजेंसियां हो, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमी हो,
किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। खबरों में आगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर उस्मान सोमवार को तड़के पुलिस अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए शूटर उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम था। उमेश पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। पिछले महीने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया ये बयान मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा था। अब मुख्यमंत्री की कही ये बातें धरातल पर दिख रही हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित कुख्यात शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान सोमवार तड़के पुलिस अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। ये मुठभेड़ प्रयागराज के कुंधियारा में हुई। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान उस्मान को गोली लगी और वो गिर गया। उसे इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्लड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट। शातिर विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान ने ही सबसे पहले उमेश पाल पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने इस कांड में शामिल अतीक के बेटे असद सहित सभी शूटरों की पहचान कर ली थी। एक विजय चौधरी उस्मान ही था जिसकी पहचान में पुलिस को काफी समय लगा। सीसीटीवी फुटेज से भी उस्मान चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल राजीव पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे और लगातार गवाही दे रहे थे, इसी कारण से उनकी हत्या की घटना हुई है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उन पर कार्रवाई होगी। शुरुआत से ही इस घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक विजय चौधरी उर्फ उस्मान प्रयागराज का ही रहने वाला था। वो माफिया के साथ ही रहता था। उन्होंने कहा कि माफिया ने ही विजय चौधरी को उस्मान बनाया था। इसी का हक अदा करने के नाम पर वो इस कांड में शामिल हुआ। यूपी सरकार ने भी एक बार फिर कहा है कि एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, यही योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसके करीबी रहे सभी लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया और तेजी से कार्रवाई की, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक इस मामले में पुलिस को दो कामयाबी मिल चुकी है। पहले अरबाज और अब उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा इसमें शामिल लोगों के घरों में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में जीत के बाद मेघालय और नागालैंड में 7 को और त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 7 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इसके सहयोगी दल आईपीएफटी ने एक सीट जीती है। उधर मेघालय और नागालैंड में नई सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसमें शिरकत।
त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन को मात देकर भाजपा दोबारा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा विधायक दल नेता का चुनाव होने के बाद पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। माणिक साहा को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। 60 सदस्य वाली विधानसभा में भाजपा और IPFT गठबंधन ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। ओट टेकिंग सेरेमनी के लिए हमारा सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें लेंगे होंगे। हमारा गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट JP नड्डा जी इसमें हिस्सा लेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की चीफ मिनिस्टर को हम लोग इन्विटेशन भेजा है, उन लोग भी रहने का चांसेस है। और सारे देश भर में हम लोग न्योता भेजा है और सारे देश भर में BJP त्रिपुरा में दोबारा बनने का खुशी हम लोग आप लोग देख रहे हैं। सभी जगह जश्न मनाया है और इस बार होली त्रिपुरा से माननीय प्रधानमंत्री खेलेंगे। वहीं मेघालय में NPP प्रमुख और मनोनीत मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर UDP और PDF का समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले वे 26 विधायकों वाली उनकी पार्टी NPP और दो विधायक भारतीय जनता पार्टी और HSPDP का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को दे चुकी है। गठबंधन को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 के रूप से जाना जाएगा और इसके अध्यक्ष कोनराड संगमा ही होंगे। कैबिनेट के कुल 12 सदस्यों में से 8 NPP के और 1 हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 भाजपा के विधायक शामिल हो सकते हैं। We have also decided that in the cabinet, out of the 12 members that are there, 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP, and 1 will go to the BJP. So that is the format of the sharing of the portfolio, the berths, cabinet berths. वहीं नागालैंड में NDPP और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो मंगलवार यानी कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। अगरतला से शैलेंद्र मिश्र, शिलांग से सारंग प्रोपल्ली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयरहाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयरहाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी। पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम माय सोप सैंडल। बहुत फ्रेश लग रहे हो, पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप।
ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मॉनसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में सिंचाई जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देशभर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों के बारे में भी अपडेट किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों सहित मेडिकल पेशेवर, नगरपालिका और पंचायत प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया टीमों जैसे अग्निशमन आदि विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए शामिल करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें और क्या न करें को सुलभ प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए और प्रचार के लिए विभिन्न अन्य तरीके जैसे जिंगल्स, फिल्म, पैम्फलेट आदि भी तैयार भी किए जाने चाहिए और उन्हें जारी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आईएमडी से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा जिसे आसानी से समझा और प्रसारित किया जा सके। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टीवी समाचार चैनल, एफएम रेडियो आदि दैनिक मौसम पूर्वानुमान को इस तरह से समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट खर्च कर सकते हैं जिससे नागरिक आवश्यक सावधानी बरत सके। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि सभी अस्पतालों में अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्यों में एनडीए सरकारें भी रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं। मुझे खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सभी विभाग और एनडीए की राज्य सरकारें लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार के अलावा अब एनडीए के शासन वाले 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार एक ठोस रणनीति पर काम कर रही है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के माध्यम से ज्यादा रोजगार के मौके प्रदान करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए केंद्र सरकार ने एक ठोस रणनीति पर काम किया है। हमारा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम रोजगार बढ़ाने पर। हमारा फोकस रहा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमारा फोकस रहा स्वरोजगार के लिए देश में सही वातावरण बनाने और नौजवानों को बिना गारंटी आर्थिक मदद देने पर। हमारा फोकस रहा बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स के मुताबिक युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर। सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वांछित व्यक्ति को मिले इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे कई योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है।
सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ रविवार को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी आसान है और इसने भ्रष्टाचार को दूर किया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटरऑपरेटेबल, इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इससे पूरी तरह से सरकार व लोगों और व्यवसायों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सारे हस्तांतरण प्रत्यक्ष और आसान है, ऐसे में भ्रष्टाचार की और फायदा कई अन्य जगह जाने की गुंजाइश नहीं है। इसने फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है। अजय सेठ ने कहा कि भारत में डीपीआई से लेस डीबीटी उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में वरदान साबित हुआ जिनका जीवन यापन प्रभावित हुआ था। सरकार डीपीआई के माध्यम से टीकों का वितरण कर और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराकर लाखों लोगों की मदद करने में सफल रही। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव ने इस मौके पर G20 के योगदानों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हालिया सालों में G20 ने दुनिया को कई झटकों से उबरने में मदद की है और अभी भी वैश्विक आर्थिक समन्वय पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। भारत इसे आगे बढ़ाना चाहता है और खासकर वैश्विक दक्षिण में इसे अधिक प्रासंगिक बनाना चाहता है। एट द सेम टाइम एज वी आर अवेयर दैट देयर आर सेवरल कंट्रीज व्हिच आर फेसिंग ह्यूज डेट प्रॉब्लम स्पेशली ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, so finding lasting solutions for them may also figure very prominently in these discussions. We expect would be around how the global community working through multilateral development banks can come together to address some of the long-term challenges which as a global community we face. These are in the nature of sustainable development goals and there are only 7 years to go to achieve those goals by 2030. In addition, challenges arising from the climate change, the policies and other measures to be adopted by various countries for their climate action, how to do the financing for them, may also figure in these discussions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पीएम ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। कोरोना के बाद बदले परिदृश्य में दुनिया के देशों का ध्यान स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल की बात करते समय पूर्व कोविड युग और महामारी के बाद के युग को विभाजन के साथ देखना चाहिए। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते प्रसार का उल्लेख किया और वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्वास्थ्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो,
प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने फार्मा क्षेत्र में दुनिया का विश्वास हासिल करने पर खुशी व्यक्त की। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वह अभूतपूर्व है। इसे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। आयुष्मान भारत के तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे वो खर्च होने से बचे हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वेबिनार में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते वर्ष में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं मेडिकल सीटों की संख्या 2014 के बाद से आज के समय में दोगुनी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वेबिनार में शामिल स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की अध्यक्ष अनीता पवार ने सरकार के 157 मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे मरीजों और छात्रों दोनों को फायदा होगा। ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिंग फेडरेशन सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का धन्यवाद करती है, जिसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज वहां पर खोले जाएंगे जहां पर ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। नर्सिंग स्टूडेंट और भी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड होंगे, जिसका फायदा आखिरकार मरीजों को मिलेगा। मरीजों का स्वास्थ्य लाभ जल्दी होगा और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो नर्सिंग कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की तरह बनाए जाए। वहां पर बिल्डिंग जो है सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बने और बहुत अच्छी फैकल्टी वहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की प्रोफेसर नंदिनी सुबैया का कहना है कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है और इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों की कमी दूर होगी। Honorable Prime Minister has announced that we are going to have 157 new government colleges, nursing colleges in India very soon, and it is a very good initiative taken by Government of India, because this is going to be very good opportunity for the nursing professionals as well as for the students who have the aptitude to join nursing. They will be able to make use of this opportunity, and it is going to reduce the shortage of nurses significantly in our country. वही डॉक्टर सुमेश कुमार ने कहा कि देश के पिछड़े जिलों में 157 मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला स्वागत योग्य है। In the recent budget that was unveiled by the Honorable Finance Minister of India, the Government of India has proposed opening up of new 157 nursing institutions across the country. This is a very visionary step by the Government of India under the leadership of our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji.
He is setting up the fundamentals and foundations of a very strong health system that can serve the population of our country over the next many decades to come. So these opening up of this 157 nursing institutions will happen in the most underserved districts of India, districts which do not have nursing institutions. और आर्थिक जगत से महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। पिछले पांच सालों में महिलाओं का क्रेडिट एक्सेस दोगुना हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यह आंकड़ा 7% से बढ़कर 2022 में 14% हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि पुरुष कर्जदारों की तुलना में भी महिलाओं की 4% बढ़ोतरी हुई है। आइए और तथ्य देखते हैं इस रिपोर्ट में। महिला के क्रेडिट एक्सेस बढ़ने के कई कारण हैं। कई ऋणदाता महिलाओं को बेहतर ब्याज दर देते हैं। दूसरा, पुरुषों की तुलना में महिला कर्जदारों का क्रेडिट प्रोफाइल बेहतर होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में महिला कर्जदारों का क्रेडिट स्कोर 731 से 770 के बीच रहा है, जो पुरुषों से बेहतर है। खपत आधारित क्रेडिट उत्पाद जैसे पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन महिला कर्जदारों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में व्यवसायिक ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या 3 गुना से अधिक हो चुकी है। होम लोन सेगमेंट में महिला कर्जदारों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के बैंक ऋण की सुविधा के लिए की गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका कारण मोदी सरकार की महिला केंद्रित योजनाएं हैं। आज हर बैंक का, हर नेशनलाइज्ड बैंक की हर ब्रांच में कम से कम SC/ST एंड 1 वुमेन लोन मस्ट है। तो उसका बेनिफिट आज लेडी को मिल रहा है कि वो जाती हैं, अपने प्रोजेक्ट दिखाती हैं और इस कॉन्फिडेंस से दिखाती हैं कि जो बैंकर है उसको ये भरोसा हो जाता है कि ये जो बोल रही है ये करके दिखाएगी। मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी 2023 तक अप्रैल 2015 में योजना की शुरुआत की बात से 38 करोड़ 58 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, जिसमें 26 करोड़ 35 लाख का ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। मेरी मदर ने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बैंक से 85 लाख रुपीस का लोन लिया था, जिसमें से हम लोगों ने हाफ लोन ऑलरेडी पेड कर दिया है एंड हमारे को गवर्नमेंट ने इस लोन के लिए बहुत हेल्प करा और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक स्टार्टअप हुआ कि हम लोगों ने अपनी खुद की शॉप खोली एंड द शॉप इज गोइंग वेरी वेल। ये इतनी अच्छी योजना है कि आज भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लोन मैंने 3.5 लाख रुपए का लिया था। जी हाँ, अभी भी मैं रोजगार कर रही हूँ और इस रोजगार से इतना लाभ है कि लोग अपने घर का खर्च आराम से चला। इतना ही नहीं, 1 दिसंबर 2022 से महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए 10% गारंटी शुल्क की रियायत भी दी गई है। अन्य मामलों में 75% की तुलना में 85% की बढ़ी हुई गारंटी कवरेज को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश के विकास में अहम योगदान देने वाली महिलाओं के कदम अब रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रभावी तरीके से देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित की है, जिससे रक्षा और सुरक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। समय से सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार भी सेनाओं में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसमें बड़ा सुधार करते हुए शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC प्राप्त महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना के सभी 10 प्रभागों में स्थायी कमीशन देने का फैसला किया गया है, जो उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती प्रदान करता है। देश के सशस्त्र बलों में लड़कियों के लिए अधिक से अधिक भूमिकाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने भारतीय वायुसेना, कमांडो, लड़ाकू पायलट, सैनिक स्कूलों और NDA में
लड़कियों के प्रवेश को प्रोत्साहित किया है ताकि देश की रक्षा में ये भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज देश में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं। विश्व स्तर पर लगभग 5% पायलट महिलाएं हैं। भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी कई देशों के मुकाबले काफी अधिक है। इस बीच भारतीय नौसेना ने स्नातक स्तर की प्रविष्टियों में महिलाओं के लिए सभी शाखाओं को खोला है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सीआरपीएफ देश का एकमात्र पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसमें 6 महिला बटालियन हैं। देश में किसी भी आपात स्थिति से निपटने में इन महिला सुरक्षा कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्तमान में महिला कर्मियों को जम्मू कश्मीर, अयोध्या, मणिपुर, आसाम और देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय ड्यूटी में तैनात किया गया है, जहां वे सराहनीय काम कर रही हैं। पहली बार सीआरपीएफ कैडर की 2 महिला अधिकारियों को आईजी के पद पर पदोन्नत किया गया और नवंबर 2022 में यूनिट प्रमुख के रूप में तैनात किया गया। बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तो जनवरी के अंत तक सीआईएसएफ में उनकी भागीदारी 7.05% थी। सीआईएसएफ सहित सीएपीएफ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल तक पदोन्नति के लिए महिला अधिकारियों के लिए जनवरी के महीने में विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया था। विशेष बोर्ड द्वारा 244 महिला अधिकारियों पर विचार किया गया और कुल 108 महिला अधिकारियों को सूचीबद्ध किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जनवरी तक अखिल भारतीय स्तर पर महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या 11.75% थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को लगातार परामर्श जारी कर महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि कांस्टेबलों, सब इंस्पेक्टरों के रिक्त पदों को परिवर्तित कर महिला कांस्टेबलों, सब इंस्पेक्टरों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम 3 महिला उपनिरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों ताकि 2400 घंटे एक महिला हेल्प डेस्क का संचालन किया जा सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2014-15 में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य के लिहाज से दोगुनी होकर 1,72,000 रुपए हो गई है। 2014-15 में ये 86,647 रुपए थी। हालांकि आय का असमान वितरण अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। आधार वर्ष 2011 के स्थिर मूल्य को पैमाना माने तो प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 72,805 रुपए थी, जो 35% बढ़कर 2022-23 में 98,118 रुपए हो गई है। कोरोना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई, हालांकि बाद में स्थिति सुधरी और 2021-22 और 22-23 में इसमें तेजी दर्ज की गई। प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान NIPFP के पूर्व निदेशक पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व विकास संकेतक डेटाबेस के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6% प्रतिवर्ष थी। इस अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार देखा गया। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित जरूर किया, लेकिन उसके बाद स्थिति में एक बार फिर सुधार आया। और आइए अब नजर डालते हैं बिजनेस की दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। शेयर बाजार में सोमवार को तेजी का माहौल बना रहा। सेंसेक्स 415 अंक बढ़त के साथ 60,224 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 117 अंक बढ़कर 17,711 पर बंद हुआ। रेल कौशल विकास परियोजना के तहत अब तक 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। इस प्रशिक्षण से युवाओं के लिए विभिन्न कंपनियों या सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाना आसान होगा। रेलवे ने सितंबर 2021 में इस योजना को शुरू किया था।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार का ध्यान जलमार्गों को खोलकर मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही के लिए 23 नदियों की प्रणाली को विकसित करने पर है। इसका उद्देश्य सस्ती परिवहन लागत पर मालवाहक और यात्री जहाजों की आवाजाही में सुधार के लिए अंतरदेशीय जलमार्गों का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि हमारी नदी प्रणालियों में व्यापार की अत्यधिक क्षमता है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वो अच्छे मुनाफे और इसकी अब तक इस्तेमाल नहीं की गई क्षमता के उपयोग के लिए निवेश करें। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यह आंकड़ा परंपरागत आपूर्तिकर्ता इराक और सऊदी अरब के संयुक्त तेल आयात से भी अधिक है। तेल के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा ने बताया कि भारत जितनी मात्रा में तेल आयात करता है उसका एक तिहाई से अधिक आपूर्ति अकेले रूस से हो रही है और वो लगातार पांचवें महीने भारत को कच्चे तेल का इकलौता सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीजी न्यूज। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉरपोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर वैसे ही RBI का ऑम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल्ला जो और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल्ला जो और कल में रहते हैं। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को DAP तरल रूप में उपलब्ध हो सकेगी। इस फैसले से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान कराने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मोदी सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो तरल DAP को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि 500 ml की DAP की तरल बोतल 50 किलो खाद के बराबर है और परंपरागत DAP की तुलना में इसकी कीमत 10% कम है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। केंद्र शासन ने जो नैनो DAP को सहमति दी है निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उत्पादन DAP जो परंपरागत DAP जो किसान उपयोग करते थे उसके उत्पादन से लेके किसानों तक पहुंचने की जो दूरस्थ गांव में पहुंचने के लिए जितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता था वो सारी चीज़ें बचेंगी, बहुत बड़ी लागत बचेगी।
सरकार की इस कदम को सराहनीय बताते हुए देश के किसानों ने कहा कि डीएपी अब तरल बोतल में मिलेगा तो उत्पादन की लागत कम आने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। डीएपी एक बोरी के रूप में काम आता था, हम जैसे किसानों को लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, अब वही डीएपी एक बोतल के साथ काम में ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में डीएपी दूसरी सबसे बड़ी उर्वरक खाद है। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गौरतलब है कि नैनो तरल डीएपी की मंजूरी मिलना देश के किसानों के लिए न केवल एक बड़ी खुशखबरी है बल्कि खेती किसानी की कृषि लागत को कम करने के साथ साथ अन्नदाता के जीवन को सरल बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब डीएपी की एक बोरी की तुलना में एक बोतल न केवल महत्वपूर्ण साबित होगी बल्कि किसानों का जीवन सरल और आसान होने के साथ साथ उन्हें उत्पादन में भी फायदा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत की। पहली बार ये सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को सैन्य और सामरिक स्तर पर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का संस्थागत मंच प्रदान करता है। साल 2023 का ये पहला सम्मेलन भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रगति के पथ पर है। G20 बैठकों का दौर जारी है। हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की बैठक में डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर खासा जोर रहा। देश में G20 की जारी बैठकों के बीच हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का शुभारंभ हुआ। वित्तीय समावेशन को लेकर यह दूसरी बैठक है। भारत का जोर डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर है। इटली सह अध्यक्षता कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की वित्तीय समावेशन योजना 2024-26 में डिजिटल रूप से वित्तीय समावेशन पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्लोबल फिंडेक्स 2021 और आईएफसी एमएसएमई रिपोर्ट के मुताबिक 24% वयस्क यानी दुनिया के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिसमें से 54% लोगों की आबादी 7 विकासशील देशों में ही है। विकासशील देशों के 50% वयस्क जिन्होंने ऋण लिया है उसमें से भी आधे से भी कम लोगों ने औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है। वहीं विकासशील देशों में करीब 131 मिलियन या एमएसएमई के करीब 41% लोगों की वित्तीय जरूरतें पूरी भी नहीं हुई, यानी अगर वित्तीय खाई को देखें तो यह 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। इन एमएसएमईज में से 23% महिलाओं द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर में वित्तीय खाई को पाटने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं शाम को G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हैदराबाद से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। Thank you.
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और, इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। भारत के खिलाफ 9 मार्च से अहमदाबाद में होने वाले चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान पैट कमिंस इस मैच में भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशियंस 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं EPL में लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड पर बड़ी जीत हासिल की है। इन सब खबरों को विस्तार से जानने के लिए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। ऑस्ट्रेलिया को अहमदाबाद में शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इस मैच के लिए भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में स्टीवन स्मिथ ही टीम की कमान संभालेंगे। पैट कमिंस इंदौर टेस्ट में भी टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। पैट कमिंस की मां की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से भारत दौरे को बीच में छोड़कर वे अपने घर वापस लौट गए थे। देश के सफलतम लंबी दूरी के तैराक प्रभात कोहली ने ओशियन 7 चैलेंज को पूरा करने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। वे इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। उन्होंने खराब मौसम के बीच बुधवार को न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट को तैरकर 8 घंटे 41 मिनट में पार किया। इस तरह उन्होंने 28 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की। ओशियन 7 को एक निर्णायक ओपन वाटर स्विमिंग चैलेंज के रूप में जाना जाता है। और न्यूज नाइट में आज इतना ही। देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्र सरकार जल्द ही देश में चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने जा रही है। 3 स्तरीय संरचना की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सा की दृष्टि से तीर्थयात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहायता मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात के बाद यह बात कही। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने 4 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के दौरान सोमवार को टिहरी गढ़वाल पहुंचे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और जनवरी 2024 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, जिसके लिए अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं। आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को लेकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 का उद्घाटन 10-11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मेंबर सेक्रेटरी NDMA कमल किशोर ने बताया कि इसमें देश में हो सकने वाले किसी भी आपदा के पहलू पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 2 दिन के कार्यक्रम में 4 सत्र रखे गए हैं।